6. Oh, Shubman Gill, 200 not out. रोहित शर्मा, अब शुभमन गिल, सारे के सारे इंडियंस ही हैं। अखीर लेवल हो गई, मतलब कि इंडिया के ओपनर्स को इतना पता चल गया कि हम आराम से 200 रन खेल सकते हैं। और भाई मैं परेशान होकर रह गया जितना वर्ल्ड कप करीब आता जा रहा है और जो इंडिया परफॉर्मेंस दिखा रहा है बल्लेबाजी के अंदर, हैरान करके रख दिया। 282 के बाद 3 छक्के लगा के कौन डबल सेंचुरी करता है, वो भी लॉकी फर्ग्यूसन को। 93 पे छक्का मारा है मेरे घंटे ने, कभी ये बता 93 पे छक्का मारा है। अब ये 40 बॉले पी जाता है अपने 100 के चक्करों में, घंटे का केक इसे कहते हैं। देख लो मैरिड में किस तरह खेलते हैं कि बाहर अकाउंटेबिलिटी करने वाले लोग बैठे हुए, अबे कौन सी बॉल को हिट करना है, वो अगर हिट नहीं करेगा तो तू घंटे का किंग कहलाएगा। हम क्यों कहते हैं कि ये हर उस बॉल को मैरिड में छक्के मारने वाली में भी सिंगल क्यों निकालता है, मेरा घंटे का किंग। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखिए कैसे ये पाकिस्तानी मीडिया शुभम गिल के दूसरे सत्ता के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों पे बेकाबू होकर बरसते नजर आए हैं। नहीं, बाबर आजम इज अ स्टार नो मोर। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इतना ब्रेनलेस कैप्टन कैसे हुआ। बेकाबू भी इस कदर हुए कि अपने ही देश यानी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम घंटे का किंग कहते हुए नजर आए हैं। अब ये 40 बॉले पी जाता है अपने 100 के चक्करों में, घंटे का किंग। को शुभम गिल के शतक के बाद क्या क्या कहा है आप खुद ही आगे की वीडियो में देख लीजिए और सुन लीजिए। आज का दिन टोटली शुभमन गिल के नाम था, चर्चे हर जगह चल रही है। अगर आप अभी ट्विटर खोलो पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान में भी ट्रेंड करने जा रहे हैं, क्योंकि अच्छी बात ये लगती है, स्पेशली मैं इंडिया के प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, जब वो बल्लेबाजी करते हैं, सेट होते हैं, उसके बाद सारे प्लेयर हैं उनके पास वो गेयर है कि वो एंड फिनिश करते हैं गेम। मुझे एक बात बताइए, उसके बाद ये न्यूजीलैंड आया, बड़ी मुश्किल से आपने सरफराज को मौका देकर वो टेस्ट तो ड्रॉ करके बचा ली, उससे आपकी टेस्ट में मरना ये एक जिल्लत और आपके साथ आपकी गोद में लग जाती, आपकी जेब में आ जाती। उसके बाद ओडीआई में वो ऐसी की तैसी कर गए, तिगनी का नाच नचाया, जूते मार के गए मुंह में, जूते मार के गए। और फिर चौड़ा इतना है कि कह रहा है कि मेरे घंटे से मुझे फर्क नहीं पड़ता, फिर चौड़ा है मेरी तरफ से। वही आप देखो कि शुभमन गिल ने कैसे कमाल किस्म की बल्लेबाजी की, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखो तो हमारे जो बाबर है या रिजवान है, ये सेट होने के बाद भी उस तरीके से गेम को आगे लेकर नहीं जा पाते, जिसकी वजह से थोड़े से तहफुजात रहते हैं। और फिर वही बात है कि फिर थोड़ा सा एक रहता है जी, लोग कहते हैं जी गेम फिनिश नहीं कर पा रहे, स्लो खेल रहे हैं, अपने लिए खेल रहे हैं, सेल्फिश हैं, और फिर डिबेट ये वाली शुरू हो जाती है। क्रिकेट में ये आदमी ठीक नहीं है, ना ये कप्तान। कप्तान तो वो होगा जिसे क्रिकेट की बेसिक्स पता होंगे। अब तुम लोग हंसोगे, तुम लोग जो है ना अपने आप को पाकिस्तान पता है आज इस हाल में क्यों हो रहा है हमारा मुल्क। हर आदमी समझता है मैं अकेले को लूँ। अबे तुझे पता क्या होता है बेटा, ये जो तुम लोगों को दिखा रहे हैं इनके धंधे हैं, इनको पैसे मिलते हैं ये करने के, हमें पैसे नहीं मिलते, हम तो बोल रहे हैं। लाइक आप विराट कोहली को देख लो, पिछले वाले मैच में विराट ने एक बार सेट होने के बाद गेम को फिनिश किया, यानी कि 166 तक लेके गए और ताबड़तोड़ बैटिंग किया, कुछ 40-45 उन्होंने पहले झपके रन बना दिए। यही आज आपके शुभमन गिल ने किया। इस तरह की हिटिंग तो नहीं देखा बाबर को करते हुए, ये बात तो ठीक है। एंड के ओवर्स में फर्गूसन जैसे बॉलर को 3-3 छक्के तो नहीं देखा, वो डिफरेंट क्लास का प्लेयर है, लेकिन ये वाली जो चीज एलिमेंट है ये कोहली को देख देख के साथ वो डिफरेंट है, कोहली के साथ खेल खेल के उसको देख देख के, और वैसे भी टैलेंट है तो ये गेम है बनाई हुई है। एंड में आप देखें 70 पे था, 5-6 छक्के मार के होकर गया अगला, उसने सिंगल चौका भी नहीं मारा, याद होता है ना वरना चौका मारता है। 2 छक्के मारे, सिंगल लिया, फिर अगले आया 3 ब्रेन होता है ना भाई, 3 छक्के मारे, उसे पता है कि ओवर रह गए 2, सिंगल लिया आखिरी बॉल पे, 3 लगा आखिरी पे। वो पता नहीं क्यों सिंगल ले रहा था वो कुलदीप, मुझे तो बड़ा गुस्सा आया कि आखिरी गेंद पे सिंगल ले लिया उसने, लेकिन चलो अगली गेंद पे भी उसने आगे सिंगल लेके दे दिया। आपको बता दूं कि शुभमन गिल ने जिस तरह से न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक बनाकर रिकॉर्ड बनाया है, इसके चर्चे पूरी दुनिया में होने लगी है। और शुभमन गिल की इस तरह की बल्लेबाजी देखकर पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सभी बल्लेबाजों को शुभमन गिल एवं विराट कोहली से सीखने की हिदायत दिया है। आपको बता दो शुभमन गिल ने छक्के मारकर अपना दोहरा शतक पूरा किया, लेकिन इस दोहरे शतक को पूरा करने के लिए उन्होंने केवल 145 गेंदों का ही सहारा लिया है। और जिस तरह से शुभमन गिल ने अपना दोहरा शतक छक्के लगाकर पूरा किया, उसके बाद से पूरी दुनिया के क्रिकेट के जितने बड़े हस्तियां हैं उन्होंने शुभमन गिल के इस दरिया दिली एवं इस बहादुरी का काफी प्रशंसा किया है। आपको बता दो कि शुभमन गिल के इस तरह की बल्लेबाजी के चर्चे पूरी दुनिया में तो हो ही रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी शुभमन गिल के इस तरह की बल्लेबाजी की चर्चे काफी जोरों शोर से होने लगा है। और पाकिस्तान में शुभमन गिल के बल्लेबाजी की चर्चे इस कदर है कि अब विराट कोहली के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर को शुभमन गिल से सीखने की हिदायत मिलने लगी है। अब पाकिस्तानी मीडिया चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि देखो बाबर, देखो रिजवान, अब विराट कोहली तो छोड़ दो, तुम इस भारत के नए बल्लेबाज से भी क्रिकेट कैसे खेला जाता है सीख सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने देश का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आप सभी को जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।